जनसंपर्क अभियान के तहत किया आमजन से संवाद। केंद्र सरकार की 9 वर्ष की गिनाई उपलब्धियां। मुंडा और उपखंड के कालुका में हुई जनसभा। 7 करोड़ के विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल, सांसद मुंबई पूनम गोयल, सांसद बालकनाथ, विधायक मंजीत चौधरी ने किया विकास कार्यों का लोकार्पण। जनसंपर्क सभा में राज्य सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। लगातार पेपर लीक होने से युवाओं में बढ़ रही बेरोजगारी। महिलाओं पर अत्याचार, साइबर क्राइम, गो तस्करी व पार्टी में भीतरघात होने से कुर्सी बचाने में लगी है राज्य सरकार। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को बताया केंद्र सरकार की प्राथमिकता। मुंडा और उपखंड के ग्राम पंचायत कालुका में भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान में विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ। ग्राम पंचायत सरपंच मुनेश उमेश यादव ने अतिथियों का पट्टा व साफा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पार्टी की रीति नीतियों को आमजन तक पहुंचाने, सरकार के स्वर्णिम 9 साल में विकास कार्यों, अनुच्छेद 370 हटवाने, कोविड काल में केंद्र सरकार के बेहतर प्रबंधन की तारीफ कर विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुंडा और विधायक मंजीत चौधरी ने विकास कार्यों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर आमजन के सुख दुख में सदैव खड़ा मिलने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुंबई सांसद पूनम महाजन ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहा कि कमल की पंखुड़ी क्या करेगी, कमल की पंखुड़ी क्या करेगी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कांग्रेस वालों को, कर लिया अपने लूटपाट की 4.5 साल की सरकार। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो लूट मार की सरकार आपने की है, ये आपने कर ली बहुत, लेकिन याद रखना कमल की हर एक पंखुड़ी जुल्मे हाथ पे भारी होगी। भारतीय जनता पार्टी की कमल की हर एक पंखुड़ी जुल्मे हाथ पे भारी होगी। अरे अशोक गहलोत जी, आज दिन तुम्हारा है, दिसंबर की भारतीय जनता पार्टी की सवेरा होगा, ये आपको बताना चाहती हूँ, ये भविष्य हमारा है। आपकी सांसद निधि से हम 15 लाख रुपए के विकास कार्य की घोषणा करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।